हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसा लग रहा है यार? धीरे धीरे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आई होप। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। एस ब्लॉक में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और उससे एक लॉजिक भी अपना क्लियर होगा। तो वो है हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक स्ट्रेंथ, और उसमें काफी बार ऐसे क्वेश्चन आए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट बेस, या अरेंज दीज अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी और एसिडिटी, वो सब चीजें आ जाती हैं। तो उसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रूबीडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, इन पांचों को बेसिसिटी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका आंसर पहले मैं आपको बताता हूं, जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, बेसिक स्ट्रेंथ सीजियम हाइड्रोक्साइड की सबसे ज्यादा है और लिथियम हाइड्रोक्साइड की सबसे कम है। तो पहली बात तो भाई याद कर लो, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसका लॉजिक आपको बताता हूं मैं। तो इसके लॉजिक के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है, उस ट्रिक का एक स्पेशल नाम है। तो पहले वो नाम समझो, उसका नाम है साइज डिफरेंस रूल, ठीक है। ये कैटायंस और एनायंस के ऊपर वैलिड है, तो ध्यान से देखना। मान लो अपने पास एक आयनिक कंपाउंड है ए बी करके, ए बी नाम का एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो कैटायन का एक पर्टिकुलर साइज होगा, एनायन का एक पर्टिकुलर साइज होगा, और आप सब लोगों ने लैटिस के बारे में सुना होगा, है ना, 3D में, सॉलिड स्टेट में। अगर नहीं सुना है तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, डोंट वरी, अभी के लिए सुन लो। लैटिस का एक सिंपल मतलब होता है 3D अरेंजमेंट। मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं पहले, उस ट्रिक को इस पे कैसे यूज करना है फिर मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। तो साइज डिफरेंस रूल क्या बोलता है कि भाई जो ये सॉलिड्स होते हैं, ये जो भी चीजें होती हैं, ए प्लस बी माइनस, उनका एक अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट अच्छा तब होता है जब कैटायंस और एनायंस का साइज सिमिलर हो, ठीक है। देखो एक सिंपल बात है, अगर आप सारी चीजों को जोड़ रहे हो आपस में, तो अरेंजमेंट करने में आसानी तब होगी जब सबका सिमिलर साइज हो। अगर साइज डिससिमिलर हुआ, एक बड़ा हुआ और एक छोटा हुआ, तो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठेगा। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये पुराने जमाने में, मैं खैर उन बातों को नहीं मानता हूं, बट पुराने जमाने में ऐसी लोग बातें मानते थे कि जैसे मान लो किसी की शादी हो रही है, तो ऐसा बोलते थे ना, हमारा ऊंचा घराना, तो हम भी ऊंचे घराने में ही शादी करेंगे, ठीक है, हम नीचे घराने में शादी नहीं करेंगे। या फिर उल्टा भी होता था, एक गरीब परिवार ये सोचता था कि मैं अपनी बेटी को बहुत ज्यादा अमीर घर में नहीं शादी करवाऊंगा, बिकॉज एडजस्टमेंट इश्यूज हो जाएंगे। देखो आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, मैं पर्टिकुलरली तो ऐसा नहीं मानता हूं, बट हाँ पहले के लोग मानते थे, और काफी मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में ऐसा हुआ है। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो इसका किसी भी मूवी से, किसी भी चरित्र से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है। जैसे बॉलीवुड में वो डिस्क्लेमर आता ना शुरू में कि ये कहानी काल्पनिक है, तो बस मैं वही बात कर रहा हूं, बस आपको उस कहानी से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है, इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट समझने, एग्जाम में टिक करना और आगे बढ़ना, ठीक है। तो सुनो, बड़े घर के लड़के की शादी बड़े घर की लड़की से करनी है, छोटे घर के लड़के की शादी छोटे घर की लड़की से करनी है। अगर ऐसा होगा तो मैचिंग प्रॉपर होगा, अगर आपने मिसमैच कर दिया तो अरेंजमेंट करने में दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप एग्जांपल लो, अगर लेट्स लेट्स टॉक अबाउट सम गर्ल्स, अगर आप बहुत हाई फाई घर में पैदा हुए हो, आपको आदत है हर जगह एसी की, ठीक है, बड़ी गाड़ियों में घूमने की, सब कुछ है, आपकी शादी अगर किसी ऐसे घर में हो गई जो उतना अमीर नहीं है, पुअर है, तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी या नहीं होगी, सही बताना। देखो आप मेहनत करोगे तो एडजस्ट तो आप कर ही लोगे, ह्यूमंस आर वेरी एडजस्टेबल, बट दिक्कत होगी ना। तो मैं बस दिक्कत की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फंडा सिंपल है, हम साइज डिफरेंस रूल पे आते हैं, कैटायन का एक साइज है, एनायन का एक साइज है। अगर साइज मैचिंग हुआ तो अरेंजमेंट अच्छा होगा, अगर साइज मैचिंग नहीं हुआ, एक बड़ा हुआ और एक छोटा हुआ, तो साइज अच्छे से मैच नहीं हो रहा तो अरेंजमेंट अच्छा नहीं, बस इतना सा रूल है। अगर साइज सिमिलर है तो अरेंजमेंट अच्छा है,
अरेंजमेंट अच्छा है, मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर अरेंजमेंट, अगर साइज डिससिमिलर है, एक छोटा एक बड़ा है, तो अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, तो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई पक्का? तो मैं इसको डिलीट करूंगा क्योंकि अब इसको यूज करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो साइज डिफरेंस रूल क्या होता है? सिमिलर साइजेस स्ट्रांग बॉन्डिंग, ठीक है, डिससिमिलर साइजेस वीक बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग से मुझे क्या लेना देना है, ध्यान से समझना। लेट से मैं लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं और इधर सीजियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं। इधर लिथियम और OH आपस में जुड़े हुए हैं, इधर सीजियम और OH आपस में जुड़े हुए हैं, मान लो। अब भाई ये जो OH होता है ना, ये होता है बहुत स्मॉल, और ये जो लिथियम होता है ये भी होता है स्मॉल, ठीक है। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो लिथियम सबसे ऊपर है, सीजियम सबसे नीचे, तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, और सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है। तो LiOH के कॉम्बिनेशन में OH भी स्मॉल है, लिथियम भी स्मॉल है। सीजियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन में OH तो स्मॉल है, सीजियम बिग है। तो अब यहां पे बैड अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, और यहां पे है गुड अरेंजमेंट, जो हमने अभी साइज डिफरेंस रूल के हिसाब से देखा था। अब ध्यान से सुनो, बैड अरेंजमेंट होने से हमको क्या बेनिफिट है, गुड अरेंजमेंट होने से हमको क्या बेनिफिट है, वो देखते हैं। बट पहले फटाफट ये लिख लो, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड में दोनों छोटे हैं, सीजियम हाइड्रोक्साइड में एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो जी, एक अच्छा बेस हमारे 9-10 की डेफिनेशन के हिसाब से वो होता है जो OH रिलीज कर दे। वैसे तो 11th की डेफिनेशन कुछ और चेंज हो गई है, बट फिलहाल जो OH देता है उसको तो बेस बोलते हैं। मुझे ये बताओ, ये OH क्यों निकलेगा? अगर वीक बॉन्डिंग होगी तो बड़ी आसानी से OH निकल जाएगा, और अगर OH निकला तो मैं बोलूंगा ये तो भाई गुड बेस हो गया, ठीक है। तो वीक बॉन्डिंग होने की वजह से ये वाला कंपाउंड इजीली टूटेगा, इसके बीच के बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ये मैंने दरार दिखाई है, ठीक है। तो अगर ये दरार आ गई मतलब OH निकलेगा, OH निकलेगा मतलब अच्छा बेस। अब फंडा सुन लो ध्यान से, LiOH की वीक बॉन्डिंग नहीं है, LiOH की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से ये वीक बेस हो गया। बात समझे? अभी आप इस चीज को ध्यान में रखो, मैं अब कंपेयर करता हूं। LiOH कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, सीजियम हाइड्रोक्साइड वीक बॉन्डिंग, क्योंकि बड़े छोटे का कॉम्बिनेशन है, तो सीजियम में से OH जल्दी निकलेगा, लिथियम में से OH उतना नहीं निकलेगा, सो दिस विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये बात समझ में आ गई सबको? तो अब मैं एक बार और जल्दी से समझा रहा हूं, डोंट वरी। लिथियम छोटा, OH छोटा, दोनों छोटे, अच्छा बॉन्डिंग, तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो OH निकलेगा नहीं, और अगर OH नहीं निकला तो अच्छा बेस थोड़ी हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सीजियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम बड़ा, OH छोटा, छोटे बड़े का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, अच्छा कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से इजीली टूट जाएगा, टूट जाएगा तो OH इजीली निकल जाएगा, तो ये अच्छा बेस। सो दैट इज व्हाई सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे अच्छा बेस, फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर NaOH, फिर LiOH, ठीक है। तो ये लॉजिक सबको समझ में आ गया। ये लॉजिक सिर्फ लिथियम सीजियम पे नहीं, बहुत जगह पे और काम आता है। तो साइज डिफरेंस रूल को अच्छे से याद कर लेना, मैं आगे आने वाले वीडियोस में बहुत बार साइज डिफरेंस रूल का रेफरेंस लूंगा, ठीक है। चलो, आई होप आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक करते करते हम लोग काफी इनऑर्गेनिक अच्छे से कर लेंगे। तो बस आपका काम क्या है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, नोट्स बनाते रहो और रिवाइज करते रहो, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी, डोंट वरी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके। चलो, बाय बाय।